अरे हाँ ऐसा होना चाहिए। नहीं, इसने बोला था कि मैं पीछे वाले दरवाजे से जाऊंगा और आलू को सरप्राइज दूंगा उसको, हमने करके। बोला ही नहीं था सरप्राइज। हाँ, है ये रेक्स ने तो वो दीवार पे से कूद देने की बात की थी, है ना। फिर मेरे को याद है, मेरे भाई रहने दे, इतने नहीं, सब भाई मत कर, से भी तो जा क्योंकि कैसे सकते वो हैं। तुम लोगों को देखता था कि ओके हाँ ठीक है, पर भाई हाँ। मेन तो सिर्फ ये है ना, मिस्टर रेक्स दादा योर ब्रो। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से सेहतमंद और खुशहाल होगे। अभी मॉर्निंग का टाइम है, ब्रेकफास्ट हो चुका है, हम लोग थोड़ा फ्री बैठे थे, मैं और मेरी भाभी थोड़ा सा फ्री बैठे थे, तो उसी टाइम पे मैंने सोचा चलो अभी मैं इसको गिफ्ट दे देती हूँ जो मैं अपने घर से बनवा के मतलब लेके गई थी। तो अभी मैं फ़िलहाल फर्स्ट मैं अपनी भाभी को उसके गिफ्ट दिखा रही हूँ। उसको एक्चुअली अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं गिफ्ट लेके आई हूँ। ये जो कुर्ती है मैं यहाँ से मेरे घर से ही बनवा के लेके की गई थी उसके नाप से। उसको ना चिकनकारी की जो कुर्तियाँ कपड़े रहते हैं ना बहुत पसंद है, तो मैं उसी के हिसाब से इसको लेके आई थी। तो मैं दो कुर्तियों का कपड़ा लाई, मतलब एक सिलवा की कुर्ती लेके गई और एक मटेरियल ले रखा है जो वो अपने हिसाब से यहाँ पे स्टिच करवा लेगी। तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था मैं लेके आई हूँ, फिर भी मुझे तो उसको देना ही था उसकी पसंद की चीज़, तो वो मैं उसको दे रही हूँ। और अब देखना इसके बाद में उनके बेटे के लिए, मतलब मेरे भाई के बेटे के लिए जो रेक्स और जॉयसी गिफ्ट लाए हैं ना वो दिखाती हूँ, क्योंकि उनका ना बहुत बार ऐसा ही हुआ, हर साल ये लोग ना एक एक करके उसको तीन चार गिफ्ट देते, तो देखिए आगे वो उसका मज़ा। दीदी क्या जल्दी खोल, कल परमिट निकल रहा है। मैं करूँ ओपन, दीदी करके देगी ओपन। दीदी ने लाया दीदी की तरफ से। यहाँ पे एलेक्स जो गिफ्ट ओपन कर रहा है ना, वो उसका पिछले साल जब मेरे घर पे आया था ना वो टी शर्ट रह गया था, उसी को इसी ने आयन करके मस्त गिफ्ट रैप करके दिया है। ये वो है, वो समझ नहीं पा रहा है ये कौन सी टी शर्ट है। माय गुडनेस, व्हाट इज इट? एक बार दिखा 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 क्या है भैया? वो भूल गया था उधर पे। अरे मैं इसको ढूंढते मैं बोली, अरे अर्चा अभी मैं बोल रही थी इसके पास है ना वही टी शर्ट है, ऐसा ही टी शर्ट था केल्विन क्लेन का, और मेरे को मिले, मैंने अप्पा को पूछा, हमने पूरा कबर छान मारा। गिफ्ट ला दिया। कैसा लगा? अरे ये ना रेक्स के कपड़ों में था, इसने इतने मेहनत से पैकिंग करके लाई। गुड गुड दीदी, सही आइडिया है दीदी, हाथ मिला, सही किया यार, दिमाग लगा। अब फिर मैं सीरियसली मैं सोची यार, पर मैं चुप बैठी, मैंने नहीं यार ऐसे ऐसे अपन क्या, अरे ये तो था उसके पास, ऐसे कैसे बोलने के लिए चुप बैठे। इसमें क्या होगी पैंट? अरे क्या का और कुछ छोड़ के तो नहीं आए ना बस? यार दीदी ने तो बड़ी मेहनत से पैक किया है यार ये। हम बोले अभी इसको छोटा भी हुआ, अब देखो और इसका हमेशा मिक्स हो जाता है, तो मैं और अप्पा ढूंढते बैठे, मैं बोली वो केल्विन क्लेन का अच्छा टी शर्ट है, मैं ढूंढ रही हूं टी शर्ट। शुक्रिया ही चलेगा बस, ले जा दीदी उसको हग करके थैंक यू। दीदी क्या कैसे बोलते हैं तू, अप्रिशिएट कैसे करते हैं? गुड क्या बोलते हैं तू? हम इसको वापस कर रहे थे, पता है जब इसको लाया ना मंगाया ना तो वापस कर रहे थे, उसके पास A4 उसने ट्राई कर दिया, अभी देखिए A3 है बड़ा वाला, फिर अभी A3 में A5 में भी उसको ट्राई कर देते, गुड है ना एलेक्स? वाओ यार 50 सही दीदी, बहुत यूजफुल लाया है तूने उसको। इसी बात पे थोड़ी सा चावल डाल ला बिल्ले। सही दीदी बहुत यूजफुल गिफ्ट लाया है तू, बहुत बाकी भी दे दूं क्या?
बहुत मस्त है। दो बाकी नहीं चाहते मुझे अभी। भाई बहुत सारे गिफ्ट्स हो गए तेरे को। हाँ क्या? तो अभी तेरे पास ये देख, A3 A5 बड़ी या छोटा वाला दोनों? नहीं बेबी यार सही है, ये मेरे को छोटा कहीं दिखा ही नहीं। कितने पेजेस का है? पता नहीं बाबा, 50 पेजेस। अरे आजकल ये इसके लिए मैं, मेरे को अभी आइडिया आ गया, इसको स्केचबुक जरूर ही ढूंढते बैठते ना हम लोग। अरे इनका तो आधा बैग तेरे गिफ्ट से भर गया है शायद। नहीं रे ऐसे कुछ नहीं। मैं दो ओपन बुक खोल के दो, ये सीधा ले कट करो। नहीं नहीं हो रहा है, दे दीदी वो ना। ये सब दीदी का पॉकेट मनी से है? हां ये आले एक सेकंड। दीदी ने हमसे कुछ भी नहीं लिया, कुछ उसका ही है। दीदी बस यही सोचती रही कि मैं आलू को खुश कैसे करूं। मुझे लगा इसको ये पसंद नहीं। लास्ट टाइम आल्सो शी गिव यू सो मच, लाइक इतना अच्छा। मेरे को लगा तो छोटा वाला नहीं पसंद, ये वाला नहीं पसंद आएगा। छोटे पे बनाता नहीं ना वो बड़े। ए माय गुडनेस डूड, तेरे तो विश पूरा हो गया। हां क्या सी तो देखो। अरे वो बहुत खुश है मुझे पता है। एलेक्स ऑल थैंक्स टू दीदी यार, दीदी ने इतना सोचा। दिखा वाओ यार सुपर, खुश हो गया भैया। अरे बड़ा था उसका ना, अभी देख कितने सारे वो सारे। सो अब से दीदी तेरे फ्रेंड लिस्ट में है या क्या? ओके 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 एलेक्स बी पेंसिल्स, बी पेंसिल्स जैसे अब मेरे पास फोर भी वो। अच्छा बराबर करेक्ट है क्या वो? ये देखा रहे वो उसमें एनग्रोस्ड रहता है, उसको सब पता रहता है। दीदी ने यही सोचा कि मैं अच्छा है, मतलब इस संडे ना उसको सिर्फ वो A3 वाला बड़ा लेके दिया तो वो ऐसा फूला था उसका पूरे। एलेक्स सही है कैसे, मतलब हाउ डू यू एक्सप्रेस योर हैप्पीनेस? दीदी को थैंक यू बोल बच्चा। दीदी को एक बार हाथ पकड़ ले, एक बार लड़ू और दिल से। एलेक्स ये नहीं है, दीदी ने इतना तेरे बारे में सोच के किया, दीदी ने पॉकेट मनी से दिया है यार। दीदी बस सोचती रही कि मैं उसको क्या यार। दीदी सोच ले खुद को, वो चॉकलेट वाले में आ जाएगा ना। देख भैया से तो कुछ एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। हां ऐसे करके खोल फिर भी हम इसमें खुश। ये पैकेजिंग भरने के पहले मैं बता देती हूँ। तूने इस बार कुछ ज्यादा ही विशेष मांग लिए क्या? मैंने कुछ नहीं किया। अरे वो तो पान वाली टॉफी है, ये खोल ये मैंने। एलेक्स ये तो वैसे से कुछ हो गया है, माइंड ब्लोइंग। हां ऐसा हो गया, वो बैग पे रखा था ना दीदी, वो उसको कट करके देखो। ये जितने भी गिफ्ट है ना, ये जैसी दीदी ने ना उसी ने पैक की है बेटा। पैक की ये लेकिन भैया की तरफ से। रुक। अच्छा वो सारे दीदी की तरफ। हाँ वो सब दीदी। हाँ पहले वाले और ये रेख दादा दे रहा है। माय गुडनेस एलेक्स तेरे पास तो गिफ्ट की बहुत छान हो गई है। ए कितना क्यूट है रे। ऐसे रिएक्शन ऐसे करना तो वो खोल पहले खोल उसको फिर क्या करना। भाई साहब एक्टिंग वाली पहले फील करो ना गिफ्ट को। खुला है नहीं। ओ माय गुडनेस वाओ क्या बोलेगा दादा को बस कुछ नहीं बस तो डू इधर तो बिना बोले हग मिल रही शायद। बहुत बहुत शुक्रिया। और हगी तो चलिए यहाँ पे एलेक्स के गिफ्ट का सिलसिला तो खत्म हो गया और मेरा भाई भी आ गया है। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।